हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएसबी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। ये जो पुरस्कार है 2019 के लिए प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार 2020 में ही प्रदान किया जाना था, लेकिन उस समय कोरोना काल की वजह से इस पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया। तो अभी 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए वर्ष 2021 में नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया है। ये जो वीडियो होगा आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे बिहार एसआई बीपीएससी पीटी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी का मेंस ग्रुप डी का एग्जाम, एसएससी जीडी, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से सभी एग्जाम में एक तो प्रश्न आने के बहुत ही चांस बनता है। हम यहाँ पर वही टॉपिक देखेंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला आपका यहाँ पर पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जो कि दिया गया है मनोज वाजपेयी जी को। और किस फिल्म के लिए? तो भोसले फिल्म के लिए, और ये एक प्रकार का हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और एक व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है धनुष, और ये दिया गया असुरन फिल्म के लिए, और ये जो है तमिल फिल्म है। तो दोनों का ध्यान आप नाम ध्यान से रखें, मनोज वाजपेयी जी को भोसले के लिए और धनुष असुरन मूवी के लिए। अगला आपका है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ये दिया गया है कंगना रनौत को, और फिल्म का नाम है मणि कड़िका, जो कि झांसी की रानी से संबंधित फिल्म है, और एक और फिल्म है पंगा। इनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत जी को दिया गया है। अगला आपका है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार, ये दिया गया है संजय पूरन सिंह चौहान को, और फिल्म का नाम है 72 हुरे, जो कि हिंदी फिल्म है। यानी 72 हुरे हिंदी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया है। अगला आपका है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिए फिल्म का नाम है मरक्कर अरविका डालिंते सिंघम, सिंघम नाम से ध्यान रखिए, लास्ट में सिंघम वर्ड को ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा, मरक्कर अरविका डालिंते सिंघम, जो कि एक मलयालम फिल्म है। इसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, और इसके निर्देशक जो है ध्यान रख सकते हैं प्रिय दर्शन नाम है इस फिल्म के निर्देशन जो किए हैं। अगला आपका है कि सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एन इंजीनियर ड्रीम। फीचर फिल्म की बात करें तो ये हो गया आपका, और सर्वश्रेष्ठ फीचर गैर फीचर फिल्म की बात करें तो ये एन इंजीनियर ड्रीम। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार, तो ये महर्षि फिल्म को दिया गया है लोकप्रिय फिल्म के लिए। और अगला आपका है कि बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, यह भी पूछा जा सकता है कि बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म के लिए किसे दिया गया है? यह छिछोरे मूवी को दिया गया है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी है, और ध्यान रखें इसके निर्देशक जो है नितेश तिवारी हैं। और बात करें कि 67वां फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है? तो ये ध्यान रखें रजनीकांत जी को दिया गया है। इसको ध्यान रखें, ये आपके आने वाले एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस वर्ष किनको दिया गया, तो रजनीकांत जी को। और इसका क्रम भी ध्यान रखें, ये 91वां है। और बात करें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, जो कि भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और पहली बार किनको दिया गया था? ये देविका रानी रोरी को दिया गया था। देखिए यहाँ पर हर भाषा के लिए अलग अलग फिल्म को बेस्ट प्राइज मिलता है, जो कि वो सब एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ से 8-10 क्वेश्चन का ध्यान रखते हैं तो मोस्टली 90% चांस रहता है कि प्रश्न आपका यहीं से बने। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।